हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग कैसे हैं? सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, स्फेरिकल लेंस के बारे में। थोड़ा सा मैं बेसिक बात बता दूं बच्चों आपको। स्फेरिकल लेंस पढ़ने से पहले आपने बच्चों स्फेरिकल मिरर पढ़ा था। स्फेरिकल मिरर में क्या पढ़े थे हम लोगों ने? स्फेरिकल मिरर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये उसका सेंटर होता था, स्फीयर का ये सेंटर है, और ये जो कहलाता था क्या कहलाता था? कॉनकेव मिरर। और ये क्या कहलाता था? कॉनवेक्स मिरर। ठीक है, आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉनवेक्स मिरर होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करके स्फेरिकल लेंस बनाएंगे। स्फेरिकल लेंस बनाएंगे और उससे हम दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे। इस वाले पोर्शन को बच्चों आपको मैं बताता हूँ स्फेरिकल लेंस के बारे में। स्फेरिकल लेंस जो होता है वो कैसा होता है? अब ये देखो, ये हमारा इस लेंस हो गया, ये स्फेयर हो गए, और ये भी स्फेयर का पार्ट हो गया। इस स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो बच्चों ये है, और इस वाले स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। मीन्स क्या हुआ? दो स्फेयर मिल करके एक लेंस का निर्माण कर रहे हैं। देयर इज ए टू स्फेयर फॉर्म वन लेंस। देयर इज ए टू स्फेयर फॉर्म वन लेंस विच हैव टू फोकल, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड वन ऑप्टिकल पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। और इससे एक फोकस का, फोकस एफ टू, और रेडियस ऑफ कर्वेचर एक सी टू बना। इस वाले स्फेयर के लिए ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और इस वाले के लिए क्या हो जाएगा? इस वाले के लिए आपका हो जाएगा F1 हो जाएगा, और इस वाले के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 हो जाएगा। ठीक है, आपने अभी तक तो क्या क्या सीखा? आपने ये सीखा कि स्फेरिकल लेंस को हमने दो भाग में डिवाइड करा। स्फेरिकल लेंस हैव टू पार्ट्स, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कौन कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? ऐसा होता है, इसका बीच वाला, इसका मिडिल पोर्शन जो होता है वो क्या है? थिकर है, और एज जो है वो क्या है? थीन है। एज क्या है? थीन है, और मिडिल पोर्शन क्या है? थिकर है। और ये जो बना हुआ है दो स्फेयर से बना हुआ है, और फर्स्ट वाले स्फेयर के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेकंड वाले के लिए ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि किसी भी स्फेरिकल लेंस के लिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो फोकस और वन ऑप्टिकल सेंटर होंगे। और अभी तक हम लोग क्या करते थे? ये वाला पोर्शन पढ़ते थे जिसमें वन फोकस, वन सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक पोल का निर्माण होता था। ठीक है स्टूडेंट, आपने क्या सीखा कि स्फेरिकल लेंस के दो सेक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस होते हैं और कॉनकेव लेंस होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को हमने फिर आगे पढ़ा कि कॉन्वेक्स लेंस का जो मिडिल पोर्शन होता है वो थिकर होता है, और एज जो होता है वो थिनर होता है। और उसके कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और एक ऑप्टिकल सेंटर होता है। इसके बाद जो बच्चों हमें पढ़ना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी ये डिस्टेंस जो हमारा होगा इसको हमने आर बोल देना है। ये आर हो गया, और ये डिस्टेंस एम और एन, इस एम और एन को हम बोलते हैं क्या? अपर्चर बोलते हैं। लेंस, इस लेंस का अपर्चर हो गया। इस लेंस का अपर्चर जो होगा एम एन होगा, वो क्या होगा? वो इससे, ये रेडियस से काफ़ी छोटा होगा। रेडियस से क्या होगा? काफ़ी छोटा होगा। इस तरह के लेंस को थिनर लेंस बोलते हैं, और इस थिनर लेंस होने के कारण, थिनर मीन्स ये बहुत ही पतला होगा, थिनर लेंस होगा, या स्लिम लेंस बोल सकते हो, स्लिम बोल सकते हो आप। डियर स्टूडेंट, आप क्या बोल सकते हो इस केस में? आप क्या यूज़ कर सकते हो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यदि बड़ा हो मेरा अपर्चर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो? यदि बड़ा हो अपर्चर से, तो उस केस में ये जो लेंस होगा वो स्लिम लेंस होगा,
और उस केस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस हमने आर वन मान लेना है, आर वन इज इक्वल टू टू एफ वन, यानी कि ये जो हो गया ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है। ये डिस्टेंस यदि आर वन है तो ये भी आर वन ही होगा, या आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर कह सकते हैं, ठीक है। और ये डिस्टेंस एफ वन का और ये एफ टू का डिस्टेंस वो भी सेम होगा, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमने पहले ही बता दिए। तो आप लोगों ने स्टूडेंट क्या क्या सीख चुके हैं अभी तक, स्फेरिकल लेंस के दो डिवीजन होते हैं, स्फेरिकल लेंस को हमने दो भाग में डिवाइड करा, स्फेरिकल लेंस को दो भाग में डिवाइड करा तो उसका नाम पहले का क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और दूसरे का क्या हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। और इसका फिगर देख सकते हैं, ये ऐसा है और ये ऐसा है। फिर हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताया आपको, कॉन्वेक्स लेंस के दो फोकस, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और वन ऑप्टिकल सेंटर होते हैं, और ये जो होता है स्लिम होता है, और इसका मिडिल पोर्शन थिकर होता है, और एज जो होता है वो क्या होता है, थिनर होता है। और ये कंडीशन भी हमने बताया, और ये आर और एफ के बीच में रिलेशन बता दिए, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है आपका। अब मैं यही सेम चीज़ आपको कॉन्वेक्स लेंस के लिए बताता हूँ, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस का ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो फोकस, टू फोकी, टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी वन एफ वन एफ टू सी टू, सभी चीज़ सेम है बच्चों। यहाँ पे एज जो है वो क्या हो जाएगा, एज इसका थिक है, और सेंटर जो है क्या है, या मिडिल पोर्शन जो क्या है, थीन है। मिडिल पोर्शन कैसा है स्टूडेंट्स, वो थीन है, और एज कैसा है, थिकर है। फोकस, दो फोकस हो गए इसमें भी, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, एक ऑप्टिकल सेंटर हो गया, एक ऑप्टिकल सेंटर, दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों क्लियर हो गए आपके। अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट आता है कन्वर्जेंस, कन्वर्जिंग लेंस, और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। कन्वर्जिंग में क्या होता है, थोड़ा सा और बेसिक में बताता हूँ स्टूडेंट्स आपको, इसको पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा और बेसिक बताता हूँ कि ये मीडियम मेरा अलग है, ये मीडियम अलग है, और ये मीडियम अलग है। तीनों ही मीडियम क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम में, ये मीडियम है और ये मीडियम दोनों सेम है दोनों, और ये जो है मेरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो आपने लाइट के रिफ्रैक्शन लॉ में क्या पढ़ा था, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है, लाइट बेंड कर जाता है परपेंडिकुलर की तरफ या उससे दूर हो जाता है, दो कंडीशन हमने पढ़ा था। इसी को हमने आगे बढ़ाया है इसमें कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या इफेक्ट होता है, हमने पढ़ रखा है। अब उसको, उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है, हमने पढ़ रखा है पहले ही, क्या होता है बच्चों आप जानते हो कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, यदि वो मीडियम रेयर है तो लाइट किधर बेंड कर जाएंगे, परपेंडिकुलर की तरफ, और वो मीडियम यदि डेंसर हो तो वो कहाँ चले जाते हैं, और वो हमारा परपेंडिकुलर से दूर चला जाता है। ये मेरा फोकस हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा फोकस टू, सभी डिस्टेंस क्या है, सेम है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर टू हो गया। अब मान लो एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये इतना डिस्टेंस नहीं है बच्चों, जो मैं दिखा रहा हूँ ये काफ़ी पतला है, काफ़ी थिन है,
तो आप मत समझना कुछ और, ये लाइट ऐसे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आप लोगों ने रे डायग्राम में पढ़ रखे हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासेस टू फोकस, फोकस से पास कर दो, फोकस से पास कर दो, फोकस से पास कर दो। तो आप स्टूडेंट ये बताओ मुझे, जब लाइट लेंस, कौन सा लेंस है ये बता दो आप, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में जब लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो सारी लाइट कहाँ पे फोकस हो जाती है, सारी लाइट कहाँ पे कन्वर्ज हो जाती है, तो इस एफ फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है, फोकस पे कन्वर्ज हो जाती है, तो उस वाले लेंस को क्या करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और फिर डाइवर्ज के बारे में बता देता हूँ बच्चों, मान लो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये मेरा फोकस F2 हो गया और ये जो है सेंटर C2 है, ये फोकस F1 है और ये सेंटर C2 है। एक लाइट आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक आ गई भाई, आना चाहिए, अब इसको जाना चाहिए था और ये बेंड हो करके इसको डॉट डॉट से आप मिला दो, आप ऐसे ही देख लो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि आप देखो ये लाइट, ये लाइट ये ऐसे जा रही है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होने के बजाय ये क्या डाइवर्ज हो रही है, इस पॉइंट पे सारे को आप मिला दो और इस पॉइंट से क्या हो रहे हैं, सभी लाइटें बाहर निकल रही है, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग कहते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग कहते हैं। कन्वर्जिंग कौन सा लेंस करता है, कॉन्वेक्स लेंस करता है, और डाइवर्जिंग कौन सा करता है, कॉनकेव लेंस करता है। ये हो गया मेरा कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, और ये हो गया कॉनकेव, ठीक है। कन्वर्जिंग मीन्स क्या होता है, डाइवर्जिंग मीन्स क्या होता है, कौन सा लेंस क्या करता है, वो आपका क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा और बता दूं, फिर आगे हम पढ़ेंगे इस चीज़ को कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का कंसेप्ट क्या है, कि यदि फोकस जितना नज़दीक आएगा तो कन्वर्जिंग ये लाइट का बेंड उतनी डिग्री अधिक होगा। मान लो ये ऐसे जाना चाहिए था, इसका डिग्री ऑफ कन्वर्जन, अब मान लो फोकस और नज़दीक आ जाता है तो क्या होता है, डिग्री ऑफ कन्वर्जन और बढ़ जाता है, डिग्री ऑफ कन्वर्जन मतलब ये एंगल मेरा शिफ्ट करते जाता है, यानी डिग्री ऑफ कन्वर्जन मेरा और बढ़ जाता है। डिग्री ऑफ कन्वर्जन को ही हम क्या कहते हैं, लेंस की पावर कहते हैं, लेंस का क्षमता, यानी इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटी ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी से, फोकस से कैलकुलेट किया जाता है। लेंस की क्षमता को पी से डिनोट करते हैं, पावर ऑफ लेंस इज डिनोटेड बाय पी एंड इट्स फार्मूला इज इक्वल टू 1/f, पावर ऑफ लेंस इज पी एंड इट इज डिफाइंड 1/f पावर ऑफ लेंस। और फोकस मान लो बच्चों जितना अधिक होगा, जितना कम होगा पावर, उतना उस लेंस का क्या होगा, अधिक होगा। पावर ऑफ लेंस इज इंक्रीजेज व्हेन फोकस इज डिक्रीजेज, आप फोकस को डिक्रीज करोगे तो इसका स्टिफनेस, मतलब जिस एंगल से बेंड हो रही है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है मेरा। तो आपने ये सीख लिया बच्चों कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस का क्या मतलब होता है। फिर आपने ये सीखा, फोकस जितना नज़दीक हो ऑप्टिकल सेंटर के, ऑप्टिकल सेंटर के जितना नज़दीक फोकस हो तो क्या होगा, मेरा लेंस का पावर इंक्रीज कर जाता है। लेंस पावर इंक्रीजेज व्हेन इट्स फोकस कम टू ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी मैं कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ाता हूँ बच्चों आपको। कॉनकेव लेंस ये बना दिया हमने, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस टू, ये सेंटर टू, ये फोकस वन, और ये मेरा सेंटर टू। इसमें इमेज फॉर्मेशन के केस क्या क्या हो सकते हैं, एक कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। दूसरा केस क्या होगा, इन्फिनिटी और C1 के बीच होगा। तीसरा केस क्या हो सकता है, C1 पे हो सकता है। चौथा केस क्या होगा, फोर्थ केस क्या होगा, C1 एंड F1 के बीच होगा। और फिफ्थ केस में क्या होगा, एट
एफ वन होगा, और सिक्स्थ केस में क्या होगा, एफ वन एंड ओ के बीच होगा। देयर इज ए सिक्स्थ केस फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव इन कॉन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट्स देयर आर सिक्स केस टू फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट इज इन्फिनिटी, सेकेंड इज इन्फिनिटी एंड सी वन, थर्ड इज सी वन, सी वन एंड एफ वन एंड एट एफ वन एंड एफ वन टू ऑप्टिकल सेंटर। तो बच्चों इसको हम हिंदी में बोल देते हैं एक बार, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में छः केस हैं इमेज बनाने के लिए। पहला क्या है, इन्फिनिटी पे, सेकेंड क्या है इन्फिनिटी, और सी वन है। सी वन आपने ये देख रहे हैं सी वन के, फिर एक सी वन का केस है, फिर एक सी वन एंड एफ वन है, और एक एफ वन है, और फिर एफ वन से ओ पे है। अब मैं इसको आपको इधर बताता हूँ, फिर आपके इसके बाद मैं इमेज बना के दिखाऊँगा। हमने ये देखना है कि एट इन्फिनिटी पे रहेगा, तो इन्फिनिटी पे कोई भी लाइट आता है कन्वर्ज हो जाता है एट पॉइंट फोकस पे, फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगा, यानी इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। और एक फोकस पे जो इमेज बनेगा उसका साइज क्या होगा, एक पॉइंट की तरह होगा। इसके कारण इसको क्या कहते हैं, वेरी डिमिनिश साइज कहते हैं। और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ इमेज जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, क्योंकि इसमें साथ इन्वर्टेड मैंने लगा, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, उसको इरेक्टेड बोलते हैं। ये सब हमने पहले पढ़ चुके हैं। एट इन्फिनिटी इमेज फॉर्म एट फोकस एंड साइज ऑफ इमेज इज वेरी डिमिनिश, नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, सेकेंड केस इज बियॉन्ड 2f, मतलब 2f से पीछे और इन्फिनिटी के बाद, यानी बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f। इमेज फॉर्म बिटवीन F2 एंड C2, इमेज फॉर्म बिटवीन F2 एंड C2, C2 या 2F2, इसका साइज क्या होगा, डिमिनिश होगा और रियल इन्वर्टेड होगा। एट 2F1, इसका भी इमेज कहाँ बनेगा, 2F1 पे ही बनेगा, सेम साइज का होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। फिर हमने क्या पढ़ा, 2F और F के बीच होगा तो क्या होगा इसका इमेज, ये 2F और F इसके इधर आ जाएंगे इमेज बनना। एक केस में ऐसा बोला, एक केस में कैसा बोला, ऐसा बनेगा। अब देखते जाओ, छोटा है एक है, इस केस में बना इमेज, फिर एक केस में ऐसा इमेज बना, फिर सेम साइज का बना, और ये थोड़ा और बड़ा हो गया। अब और आप जाएंगे तो और बहुत बड़ा बनेगा इन्फिनिटी पे। एट इन्फिनिटी इमेज फॉर्म होगा और इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ये कब कंडीशन का है, ये फोकस पे है। अब फोकस और इन ऑप्टिकल सेंटर के बीच वाले केस में इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, वो वर्चुअल इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट यदि यहाँ पे रखा हुआ है तो इस केस में इमेज इसका कैसा बनेगा, ये बनेगा। हमने बच्चों छः केस, स्टूडेंट्स हमने छः केस देख लिए। देर इज ए सिक्स केस फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट एट इन्फिनिटी, सेकेंड इज इन्फिनिटी एंड सी वन, एंड थर्ड इज सी वन, एंड फोर्थ इज सी वन एंड एफ वन, एंड फिफ्थ इज एफ एट एफ, एंड सिक्स्थ इज एफ एंड ओ। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है आपका, मैं फिर इसको मिटा देता हूँ। ये इमेज ड्रॉ करने से पहले मैं आपको रे डायग्राम के बारे में बताता हूँ। रे डायग्राम के बारे में, रे डायग्राम आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर इमेज बना देंगे। फिर इमेज क्लियर हो गया फिर ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर आपका। रे डायग्राम में सबसे पहला केस हम देखते हैं क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ये सारे चीज़ आप कॉन्वेक्स, मैं आपको कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ये आप ट्राई कर सकते हैं किस पे, कॉनकेव लेंस के लिए भी। ये सभी चीज़ सिमिलर होगा, आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। ये मेरा हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस टू, ये सी टू, और ये जो हो गया फोकस वन, और ये होगा सी। अब कोई पैरेलल में यदि ये लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू द फोकस, फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में क्या होगा, एक लाइन पासेस थ्रू फोकस, इट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यदि कोई फोकस से पास कर रहा है लाइट तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, दो केस हो गए। और तीसरा केस क्या होगा कि यदि कोई ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही रह जाएगा।
उसमें कोई भी बेंड नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन ही रह जाएगा। तीन केस हो गए बच्चों, यदि कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से पास होगा। सेकंड केस में बोला मैंने कि कोई भी लाइट यदि फोकस पे इंसिडेंट हो रहा है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और यदि कोई ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो वो क्या होगा, सेम लाइन को के पाथ को फॉलो करेगा। अब मैं इमेज बनाने सिखाता हूँ आपको स्टूडेंट्स, इमेज फॉर्मेशन। सिक्स केस होते हैं, सबसे पहला हम ये कॉनवेक्स लेंस हो गया मेरा, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया। फोकस अब मैं ड्रॉ करूँ। एक फर्स्ट केस क्या है, इन्फिनिटी से कोई पैरेलल लाइन आ रहा है तो उसका इमेज जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा, ये फोकस टू हो गया, ये सी टू हो गया, ये एफ वन हो गया, और ये एफ सी वन हो गया। फर्स्ट इमेज कहाँ पे बना, फोकस पे बना। साइज़ देख सकते हैं क्या है, एक पॉइंट की तरह है, वेरी डिमिनिश ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है, बहुत ही कम है, और क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, पहला इमेज क्लियर है स्टूडेंट्स। सेकेंड केस देखते हैं हम, सेकेंड केस में क्या होगा, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस टू, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर टू, ये फोकस वन, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर टू। अब इस केस में क्या बोला गया कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा है, ये पासेस थ्रू फोकस पैरेलल टू, अब देखो कोई लाइट, सॉरी आपने ये देखा है स्टूडेंट कि कोई लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस टू फोकस, और ये यदि फोकस से पास करेंगे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा होगा, और ये कहाँ पे कट करेगा आप देख सकते हैं, ये कट करा यहाँ पे, तो इमेज का फॉर्मेशन ये रहा, और ये क्या है, रियल और इन्वर्टेड है। साइज भी इससे छोटा होगा थोड़ा, इमेज मेरा जो डायग्राम है वो गलत है, आप अच्छे से ट्राई करेंगे तो ये ऐसा ही बनेगा कि इससे इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी ये गलत ही बना दिया हमने। फिर से बना देता हूँ स्टूडेंट्स, ये फोकस टू हो गया, और ये मेरा सेंटर टू हो गया, ये फोकस वन हो गया, और ये सेंटर टू वन हो गया। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस टू फोकस, पैरेलल टू ऑप्टिकल सेंटर पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ये केस है, ये ऐसा इमेज बनेगा। यदि कोई लाइट इसके पैरेलल जा रहा है तो पास करेगा फोकस से, और यदि कोई ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो वो उसी लाइन के पाथ को फॉलो करेगा और उसका इमेज ये बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्लियर होगा, दूसरा केस हो गया। अब तीसरे केस में हम जाते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये फोकस टू हो गया, ये सेंटर टू हो गया, ये फोकस वन हो गया, और ये सेंटर टू हो गया। इस केस में तीसरा केस ये हो गया स्टूडेंट कि कोई लाइट यदि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है पासेस टू फोकस, ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो स्ट्रेट लाइन के पाथ को ही फॉलो करेगी और कट करेगी कहाँ पे, सी टू पे।
ये C2 का, सॉरी C1 है ये, और ये C2 है, और इमेज फॉर्मेशन आप देख सकते हैं सेम साइज का है, इन्वर्टेड है और रियल है। फोर्थ केस में स्टूडेंट्स क्या देखते हैं, फोर्थ केस में आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये फोकस हो गया, C1 हो गया, ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस टू फोकस, आप इसको ऐसे मिलाओगे तो ये कट करेंगे कहाँ पे, ये हो गया मेरा C2, ये हो गया फोकस टू, सॉरी ये C2 इधर आएंगे, ये बियॉन्ड C2 जाएगा, जैसे जैसे आप शिफ्ट करते जाएंगे ये भी आगे की तरफ शिफ्ट करते जाएगा। देख लिया बच्चों ये केस में C1 और F1 के बीच कोई रखा हुआ है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस टू फोकस, फिर ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो वो सेम लाइन के पाथ को फॉलो करेगा, जहाँ पे कट करेगा वो इमेज बन जाएगा और इमेज हम देख सकते हैं ये रहा ऐसा। क्लियर है स्टूडेंट? अब फोर्थ केस देख लिए, फिर फोर्थ हो गया, अब फिफ्थ केस देख लेते हैं। फिफ्थ केस में सिंपल है, सिर्फ याद रखना है स्टूडेंट आपको सारे कॉन्सेप्ट को, टॉपिक में कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये F2 हो गया, ये C2 हो गया, और ये जो मेरा है F1 हो गया, ये C1 हो गया, फोकस के ऊपर रख देते हैं, फोकस के ऊपर रख दिया। आप बताओ मुझे कैसा है इसका इमेज बनाना है, तो आप इसको इस वाले केस में जो इमेज बनेगा स्टूडेंट वो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। इस वाले केस में इमेज कैसा बनेगा, वो इन्फिनिटी पे बनेगा, वो इसके साइज से क्या होगा काफ़ी बड़ा होगा और उल्टा होगा, और उल्टा होगा यानी मीन्स रियल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी क्लियर हो गया आपके फिफ्थ केस। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ एंड लास्ट केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मेशन ऑफ इमेज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये मेरा सेंटर हो गया, ये फोकस टू हो गया, और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस तो आपको पहले ही बता रखे हैं हम, ये फोकस वन हो गया और ये C1 हो गया। पासेस टू फोकस, अब आप इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो ऐसे, अब इस केस में ऐसे जाएगा और ये दोनों जहाँ मिल जाएंगे वो आपका इमेज बन जाएगा। तो आपने ये सीखा कि यदि ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में हो तो उसका इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है और इसके साइज से बड़ा बनता है और कैसे बनता है ये आपने देख लिया। स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिए, लेंस के बारे में पढ़ लिया, लेंस के सारे डिटेल्स हमने पढ़ लिए, फिर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंस पढ़ लिए, और लेंस के पावर, लेंस की पावर को हमने पी से डिफाइन करा, पी इक्वल्स टू 1/f कहा था, और एफ जितना कम होगा और रे का बेंडिंग होना, बेंड ऑफ एंगल जो होगा वो कितना, वो अधिक होगा। और फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इमेज फॉर्मेशन पढ़ा, फिर और रे डायग्राम पढ़ा, ये सारे चीज़ हमने पढ़ रखे हैं। अब लास्ट केस जो होता है अब वो पढ़ा देता हूँ, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो कॉनकेव लेंस में पढ़ा रहा हूँ, कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में दो इमेज फॉर्मेशन केस हैं, ये मेरा O हो गया, ये फोकस हो और ये C1 है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बता दिया मैंने ये आपको, इसका इमेज ये हो गया, ये फर्स्ट केस हो गया इमेज फॉर्मेशन का। आप सेकंड केस में देख सकते हैं, सेकंड केस में इधर बना देता हूँ स्टूडेंट्स, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, फोकस वन हो गया और ये C1 हो गया, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे पास कर गया, उसका इमेज ऐसा हो गया
और कोई ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और ये इमेज फॉर्मेशन इधर होगा। तो आप ये याद रख सकते हो बच्चों कि दो केसेस हैं आपके पास। एक पहला केस क्या है कि इन्फिनिटी से कोई आ रहा है तो उसका कर्ण डाइवर्जेंस होगा, और यदि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो उसका इमेज उसके सेम साइड ही बनेगा। सेम साइड बनने पे क्या होगा कि वो ये मेरा इमेज जो है वो क्या है, वर्चुअल है और इरेक्टेड है, वर्चुअल इरेक्टेड ही रहता है। दो केस रहते हैं आपको याद रखना है बच्चों। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। अभी तक स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ लिए, स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ा। स्फेरिकल लेंस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कॉनकेव लेंस होते हैं और कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को डिटेल में पढ़ा हमने, कॉन्वेक्स लेंस को थोड़ा कम डिटेल में पढ़ा, लेकिन दोनों क्या सिमिलर ही हैं। दोनों में लाइट के रे डायग्राम भी सेम है और इमेज फॉर्मेशन कंडीशन भी सेम है। और इसमें मैंने 6 केस पढ़ाए आपको कॉन्वेक्स लेंस में, और कॉनकेव लेंस में मैंने 2 केस पढ़ाए। फिर हमने डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस के बारे में बताया। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग होता है, और कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं वो, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, डाइवर्जिंग नेचर के कौन से होते हैं, कॉनकेव लेंस होते हैं और कन्वर्जिंग लेंस कौन से कहलाते हैं, वो कौन से कहलाते हैं कन्वर्जिंग लेंस, वो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस कहलाते हैं। मैं लिख देता हूँ बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं और डाइवर्जिंग किसको बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस हो गए, और इसमें कौन से आ जाएंगे, कॉनकेव लेंस आ जाएंगे। कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं, और डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, कॉनकेव लेंस को बोलते हैं। इसके सारे केस हमने बता दिए, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है वो बता दिया, और इसको हमने लेंस के पावर से भी डिनोट कर दिया। लेंस के पावर को हम P=1/F लिखते हैं। अब लेंस का एक फार्मूला होता है, लेंस फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ऑफ लेंस, फार्मूला ऑफ लेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/V - 1/U = 1/F। और एक केस जो होते हैं वो क्या होता है फार्मूला में, एम मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन = हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको V/U भी लिखते हैं। ये फार्मूला यूज़ करने से पहले सेम है, सारे कंडीशंस वही आएंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने जो पढ़ा, इस साइड जो होगा वो प्लस वाला, जो प्लस होगा, जो माइनस में होगा वो माइनस में होंगे। बस फोकस के बारे में एक कन्वेंशन है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब बस यही याद रखना है कि जब फार्मूले में आप यूज़ करेंगे तो प्लस और माइनस कैसे यूज़ करना है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस क्या होगा, प्लस में होगा, और कॉनकेव लेंस के लिए फोकस क्या होगा, माइनस में होगा। 1/V मालूम है, वी क्या होता है और यू क्या होता है फोकस, और एफ के बारे में मालूम हुई है, हाइट ऑफ इमेज हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, V/U हो गया। अब फोकस से आप लेंस के पावर को आप 1/F = F के जगह पे प्लस लिखोगे या F के जगह पे माइनस लिखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि F यदि प्लस है मेरा, लेंस का पावर यदि प्लस है किसी का तो क्या होगा, लेंस का पावर प्लस है तो उसके पास कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, और लेंस का पावर माइनस में है तो वो कौन सा लेंस यूज कर रहा है, कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेंस के पावर का मतलब हमने समझ लिया, लेंस के पावर के प्लस और माइनस होने का मतलब समझ लिया, फार्मूला ऑफ लेंस देख लिया, 1/V - 1/S = 1/F, और एफ के बारे में मैंने बता दिया कि कॉन्वेक्स लेंस होगा तो उसका फोकस प्लस में होगा, और कॉनकेव लेंस होंगे तो उसके फोकस क्या होंगे, माइनस में होंगे। फिर हमने मैग्नीफिकेशन के बारे में बताया आपको, इमेज ऑफ हाइट हो गया, मैग्नीफिकेशन का क्या फार्मूला, इमेज ऑफ हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, मैग्नीफिकेशन कहलाता है, और उसको हम V/U से भी डिनोट करते हैं। ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद हम आपको एक न्यूमेरिकल करा देते हैं और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं यहीं पे। न्यूमेरिकल ये है, लेंस का फार्मूला लिख देते हैं पहले, 1/V - 1/U = 1/F। आपको मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ, एक कॉनकेव लेंस जैसे बोला हमने, मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कॉनकेव लेंस ऐसा होता है। ठीक है, बना लिया भाई, कॉनकेव लेंस बन गया मेरा, ऑप्टिकल सेंटर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, F2 और C2।
अब कह रहा है कि कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ एफ की इसके लिए क्या होगा, माइनस होगा, माइनस 15 सेंटीमीटर। पहले तो दिया हुआ है अपने को 15 सेंटीमीटर, पर मुझे कन्वेंशन से क्या यूज़ करना है, फोकस इक्वल्स टू माइनस 15 सेंटीमीटर लिख दिया। व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है कि इस लेंस में कितनी दूरी पर होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो मेरा इधर ही होगा, किधर भी होगा इधर ही होगा, तो यू हमेशा किस में आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, ये डिस्टेंस हमेशा निगेटिव में रहता है, तो यू जो आना चाहिए हमारा, मेरा किस में आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए, और वो निकालने के लिए भी कह रहा है हमको क्वेश्चन में। ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अभी हमने पढ़ा है आपको कि लेंस में जो इमेज बनता है वो सेम साइड बनता है, तो भी जो होगा वो भी क्या होगा, मेरा माइनस में होगा, और भी का दिया हुआ वैल्यू मेरा क्या है, भी इक्वल्स टू माइनस 10 सेंटीमीटर है। अब इस फॉर्मूले में आप रख दो वी इक्वल्स टू माइनस 10 सेंटीमीटर और यू निकालना ही है आपको, और फोकस के बारे में बता दिया है 1 बाय एफ, तो वो माइनस 1 बाय यू इज इक्वल्स टू 1 बाय 15 और ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा 1 बाय 10। आप इसका एलसीएम ले लो, माइनस 10 और ये क्या हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 5 हो जाएगा, 1 बाय 15 तो 1 बाय 13 हो जाएंगे, और u इज कस टू माइनस यू इज कस टू और u इज कस टू क्या हो जाएगा माइनस 13 सेंटीमीटर। क्लियर है, मैग्नीफिकेशन निकालना है, m इज कस टू क्या हो जाएगा, m इज कस टू v बाई यू, v इज कस टू क्या, v मेरा कहाँ पे दिया हुआ, v इज कस टू माइनस 10 सेंटीमीटर रख दिया 10 सेंटीमीटर और u का वैल्यू माइनस 30 सेंटीमीटर रख दिया, 1 बाई 3 आ गया, 1 बाई 3 इज कस टू 0.33। मैग्नीफिकेशन एम आपको पहले ही बता दिया, मैग्नीफिकेशन क्या बताता है कि इमेज जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसके साइज से इमेज कितना बड़ा है या छोटा है, यदि 1 पे है तो 1 मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों सेम है, यदि उससे 1 से छोटा है तो मेरा इमेज का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, और यदि 1 से बड़ा है तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं, यदि 1 से छोटा है तो इमेज का साइज क्या होगा, छोटा होगा ऑब्जेक्ट से। सभी को क्लोज करते हुए बच्चों आपको हम फिर से एक बार रिकैप दे देते हैं, स्टूडेंट्स अभी तक हमने पूरे इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज का फॉर्मेशन सीख लिया हमने, फिर हमने मिरर के बारे में पढ़ा, मिरर 3 टाइप का होता है हमने बताया, मिरर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया है। फिर उसके बाद हमने आपको रिफ्लेक्शन लॉ पढ़ा है, रिफ्लेक्शन लॉ के बाद हमने क्या पढ़ा है, रिफ्लेक्शन इज़ वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सर्फेसिस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सर्फेस। ये पढ़ने के बाद हमने आपको थोड़े बेसिक कंसेप्ट सिखाए थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, पोल क्या होता है और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। उसके बाद हमने रे डायग्राम ड्रॉ करा, इमेज का फॉर्मेशन करा, फिर हमने आपको क्या बताया, इमेज फॉर्मेशन के बाद हमने यूजेज ऑफ मिरर बताया, कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, टॉर्च में, सर्च लाइट में और डेंटिस्ट के द्वारा यूज़ करा जाता है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना आपने कुछ पढ़ा होगा तो। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा है आपको, कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ा है, कॉनकेव लेंस का जो एक्चुअल यूजेज है वो बड़े साइज के ऑब्जेक्ट को छोटे साइज में बना करके हमें दिखा देता है, इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं, और बड़े और छोटे के कारण ये हम हेडलाइट में यूज़ करते हैं उसका रेयर इमेज देखने के लिए। फिर हमने आपको मिरर का फॉर्मूला बताया था, 1 बाय वी प्लस 1 बाय इक्वल्स टू 1 बाय एफ बताया था। ये कंप्लीट करने के बाद हमने दो न्यूमेरिकल्स कराए थे आपको, फिर आज हमने आपको फिर अगले टॉपिक में हमको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ाया था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, आप बता सकते हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज क्या होता है बताओ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम क्या पढ़े थे कि मीडियम चेंज करने के बाद लाइट का डायरेक्शन और स्पीड चेंज हो जाता है, इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज़्यादा रहेगा लाइट का स्पीड उतना ही कम रहेगा उस मीडियम में। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद हम आज जो पढ़े वो क्या पढ़े, लेंस, स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़े। स्फेरिकल लेंस में हमने क्या पढ़ा, स्फेरिकल लेंस दो टाइप के रहते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये पढ़ने के बाद हमने आपको क्या रे डायग्राम ड्रॉ कराया, इमेज फॉर्मेशन कराया, फिर उसके बाद हमने आपको डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग नेचर के बारे में बताया, फिर हमने आपको लेंस के का जो क्षमता रहता है, कैपेसिटी ऑफ लेंस को पी से डिनोट करते हैं, और ये जो होता है 1 बाय एफ होता है, और इसका एक्चुअल मीनिंग बताया आपको।
प्लस और माइनस के बारे में बताएं, फिर आपको हमने लेंस के फार्मूले के बारे में बताया। लेंस का फार्मूला होता है 1/v - 1/f होता है, और मैग्नीफिकेशन m = h / h और m = v / u बोल सकते हैं। फिर हमने एक न्यूमेरिकल कराया, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ये सारी चीज़ कंप्लीट कराने के बाद मैं एक और लेक्चर लूँगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस का, जितने भी NCERT में क्वेश्चन दिए हैं, मैं आपको एक सोल्यूशन दे दूँगा। उसके बाद ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको यदि ये टॉपिक अच्छा लगा हो मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है, आप बिल्कुल कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताएं, ताकि मैं कुछ सुधार कर पाऊँ और आपको अच्छे से अच्छे पढ़ा सकूँ। धन्यवाद।